प्रीवियसली हमने इसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग की डिफाइन किया था मैंने, तो उसमें पहले मैंने बताया था आपको कि हम एआई की जो डेफिनेशन है उसी को यूज करते हुए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि ये एआई को हम क्या कहते हैं कि जिसमें हम ऐसे मेथड्स को स्टडी करते हैं कि हम इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप कर सकें। तो फिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि हम उन वेज को स्टडी करते हैं जिनके थ्रू हम उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकें ताकि हमारा जो सिस्टम उस नॉलेज को यूज करते हुए इंटेलिजेंटली बिहेव कर सके। ठीक है, उसके बाद ये जो व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है इसको मैंने डिस्क्राइब किया था और इस पर मैंने काफी टाइम लगाया था, जिसपे मैंने कहा था कि जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है इसका मेजर फोकस किस चीज पे होता है कि हम जो नॉर है, नॉर की हमने बात की थी कि जैसे ह्यूमन है, हम ह्यूमन के ब्रेन के ऊपर फोकस नहीं करते, कोई भी जो एजेंट है उसको इंटेलिजेंटली बिहेव करने के लिए जिस नॉलेज की हमें जरूरत होती है हम उस नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और फिर उस नॉलेज को मैनिपुलेट कैसे करना है ताकि हम उससे नए पीस ऑफ नॉलेज को जनरेट कर सकें, इसी की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ तक लास्ट टाइम मैंने करवाया था आपको, तो अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम इसको ब्रेक करके जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग इसको ब्रेक करके भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो एज अ होल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके पार्ट्स जो है उनको देख लेते हैं। तो इस जो हमारी ये टर्म है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है वो हमारे पास है नॉलेज का। ठीक है, तो नॉलेज क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम क्या कहते हैं कि जब हम कहते हैं वी से समथिंग लाइक अली नोज दैट, ठीक है, और जो उसके साथ हमने कहा अली नोज दैट, उसके साथ हमने कहा ये ब्लैंक है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक वाली चीज है इसको हम डिफरेंट तरह की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनसे फिल कर सकते हैं। जैसे उसमें से दो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे ले ली कि हम कहते हैं अली नोज दैट अहमद विल कम टू द पार्टी। ठीक है, यानी जो नोज दैट के बाद एम्प्टी स्पेस थी उसमें हमने ये वाला पोर्शन जो है इसको फिल आउट कर दिया। ठीक है, अली नोज दैट अहमद विल कम टू द पार्टी। इसी तरह अगर हम बात करें अपने जो है दूसरी एग्जांपल भी, तो उसमें भी हमने क्या किया, अली नोज दैट और एम्प्टी स्पेस में हमने कर दिया कि पाकिस्तान वन द T20। ठीक है, तो हमने ये क्या किया कि जब हम इस तरह से कहते हैं तो हम इस तरह से सेंटेंस को राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसका हमारा पर्पस क्या है वो देख लें जरा कि among other things नॉलेज इज अ रिलेशन बिटवीन अ नॉर एंड अ प्रोपोजिशन, कि हमने इसको एज एग्जाम्पल ले लिया और अब हम नॉलेज को डिफाइन करने जा रहे हैं और हमने कहा कि जो नॉलेज है वो एक्चुअल में क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, नॉर के दरमियान और प्रोपोजिशन के दरमियान। ठीक है, इसमें जो नॉर है इसका तो मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया है कि नॉर क्या है, कोई भी जो जानने वाला है उसको नॉर कहते हैं। प्रपोजिशन को मैं अभी आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे इस वाली जो सेंटेंस थी हमारी, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें जो नॉर है वो हमारे पास है अली। ठीक है, और अली यानी वो पर्सन है जो जानता है, जिसके पास को नॉलेज है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि जो नॉलेज है वो रिलेशन है बिटवीन नॉर एंड प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन है द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। कि इसमें क्या किया जाता है कि एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हुए किसी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा अहमद विल कम टू द पार्टी। ठीक है, यानी अब प्रोपोजिशन को आप समझ लें कि ये क्या है, एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जो किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उसको हमने कहा कि ये प्रोपोजिशन है। ठीक है, अहमद कम टू द पार्टी। इसी तरह पाकिस्तान वोन द T20, तो ये क्या है, ये प्रोपोजिशन की एग्जांपल है दो। ठीक है, तो ये जो नॉर है और ये जो प्रोपोजिशन है इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमारे पास एक पीस ऑफ नॉलेज होगा। ठीक है, तो फिर हम प्रोपोजिशन के बारे में और क्या कह सकते हैं कि जो प्रोपोजिशन है जैसे ये अहमद विल कम टू द पार्टी और मैंने बात की पाकिस्तान वोन द T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें ये चीज है कि जो भी प्रोपोजिशन है वो उसकी दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो एक प्रोपोजिशन ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। ठीक है, जैसे अहमद विल कम टू द पार्टी, अहमद या तो पार्टी में आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान वोन द T20, या तो पाकिस्तान ने T20 को जीता या फिर नहीं जीता। तो जो प्रोपोजिशन यहाँ पे मैंने डिफाइन की उसमें दो उसकी हो सकती है, या तो एक प्रोपोजिशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग में जो हम बात करते हैं प्रोपोजिशन की, उसमें या तो वो जो प्रोपोजिशन है, ठीक है, वो या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अब यानी या फिर ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग, ये इसको हम या राइट कह सकते हैं फिर रॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आसानी के लिए मैं आपको एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम कहें व्हेन वी से दैट अली नोज दैट पी, हमने ये अली का जो नॉर है उस पोर्शन को हमने अलग कर लिया और जो उसका प्रोपोजिशन वाला पोर्शन है उसको हमने अलग कर दिया। तो उसकी जगह हम अगर पी लिख दें, ठीक है, और पी को फिर हम ये वाली प्रोपोजिशन असाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक कंक्रीट सेंटेंस बन जाएगा। आप जरा फोकस करें कि अगर इस सारी स्टेटमेंट को हम रिप्लेस कर दें पी के साथ ये वाली प्रोपोजिशन को, तो जो पी है ये हमारे पास एक कंक्रीट स्टेटमेंट बन जाएगी। यानी अब अगर हम कहेंगे अली नोज दैट पी इज ट्रू, पी इज ट्रू, जब पी इज ट्रू है तो इसका मतलब अंडरस्टूड हमें आ जाएगा कि पी इज ट्रू जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है अहमद विल कम टू द पार्टी। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं अली नोज दैट पी इज फॉल्स, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब अहमद विल नॉट कम टू द पार्टी। अब यहाँ पे वो प्रो लोग वाली जो उसमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी एक सेंस बननी चाहिए आपके जेहन में कि उसमें वो ट्रू फॉल्स में आंसर क्यों कर रहा होता है। ठीक है, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये वाली है जो अभी मैंने आपको एलैबोरेट की कि हम एक प्रोपोजिशन को क्या करते हैं, एक प्रोपोजिशन को किसी एक जो आप कह लें किसी सिंबल को सिंबल से असाइन कर देते हैं, सिंबल असाइन कर देते हैं प्रोपोजिशन के लिए, और वो फिर हमें एक कंक्रीट जो उसका जो है वो मीनिंग दे रहा होता है ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, एलैबोरेट कर सकें, उसको फर्दर उसको डिस्क्राइब कर सकें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने बात की आपको नॉलेज की कि नॉलेज जो है वो रिलेशन है बिटवीन नॉर एंड प्रोपोजिशन। ठीक है, when we say that Ali knows that P, we can just say as well Ali knows that it is true that P, यानी अली ये जानता है कि ये ट्रू है। ट्रू क्या है, वो P वाली स्टेटमेंट है। अब इस पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फर्दर जब हम इसमें और आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। हाँ, साथ में एक काम आप जरूर करें कि जो हम साथ में प्रोलॉग का जो उसकी हमने जो प्रेजेंटेशन भी आपको दी हुई है उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो चीजें आप सीख रहे हैं उनको इसके साथ लाजमी रिलेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको नॉलेज डिफाइन कर दिया, तो अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉलेज डिफाइन हो गया, रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन को समझ लें। अच्छा, इसको मैं पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको डिफाइन करूंगा, इतना पोर्शन जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। क्या है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? इज द field of study concerned with using formal symbols to represent a collection of propositions believed by some agent. आप इस definition को समझ लें कि हम जो knowledge representation की बात करते हैं तो representation में फिर क्या आता है, ये वो field of study है जिसमें हम formal symbol का मतलब होता है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या एक करेक्टर है, ए है, बी है, तो ये फॉर्मल है। इससे हम किसी चीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फिर हम कहते हैं फॉर्मल सिंबल, कि हम फॉर्मल सिंबल्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो सिंबल्स होते हैं वो किसी न किसी प्रोपोजिशन को क्या कर रहे होते हैं, प्रोपोजिशन के लिए उनकी उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो किसी एजेंट की कह लें कि जिसका किसी एजेंट को नॉलेज होता है, जिसका जिस पर किसी एजेंट का बिलीव होता है। ठीक है, इसको मैं और एलैबोरेट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज द डिजिट 7 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो 7 हम सिंबल यूज करते हैं, 7 एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक सिंबल है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल स्टैंड फॉर नंबर 7, ठीक है, इसको ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है एज डज द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ये वाला जो इसको रोमन में लिखा हुआ है ये भी 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही है ना। ये भी 7 के लिए हमने एक सिंबल यूज किया है और ये भी 7 के लिए यूज किया, दोनों रिप्रेजेंट एक को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, एक पीस ऑफ नॉलेज को या फिर आप कह लें एक प्रोपोजिशन को कोई एक सिंबल असाइन कर देते हैं कि इस पूरी प्रोपोजिशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, शॉर्ट हैंड का अगर आपको नॉलेज हो, जो शॉर्ट हैंड यूज होती है ये स्टेनोग्राफर यूज करते हैं, तो वो जो अगर आप कह लें यहाँ पे जो हमारी अदालतें वगैरह हैं वहां पे वो उनके जो टाइपिंग करने वाले होते हैं तो वो शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं कि वो शॉर्ट हैंड क्या होती है कि कुछ सिंबल्स होते हैं जो पूरी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेटमेंट लिखने की बजाय वो सिंबल लिख देते हैं, तो बाद में जब उसको देखते हैं उन्हें पता होता है कि हर सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यही चीज फिर रिप्रेजेंटेशन में आती है यहाँ पे कि जो हमारे पास नॉलेज है जो हमने डिफाइन किया है उसको हम किसी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यही पूरा जो काम है वो फिर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने आपको ये सैंपल की जो सिंपल है वो मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव की भी बात हो रही है। यूजुअली रिप्रेजेंटेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डोमेन्स, एक्चुअल में टू डोमेन्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है रिप्रेजेंटेशन का, वेयर द फर्स्ट इज मीन टू स्टैंड फॉर और टेक द प्लेस ऑफ सेकंड। अब फर्स्ट टू सेकंड का क्या मतलब है कि हम एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी दूसरी के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट हैंड की एग्जांपल दी कि एक मुकम्मल सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को लिखने की बजाय हम उसके लिए एक सिंबल ड्रा कर देते हैं कि इसका मतलब ये वाला सिंबल है, अगर ये सिंबल आप देखेंगे तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस होगा, तो यानी कि हम एक चीज को दूसरे के लिए स्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और यूजली द फर्स्ट डोमेन द रिप्रेजेंटर इज मोर कंक्रीट, इमीडिएट और एक्सेसिबल इन सम वे देन द सेकंड। इसका मतलब वही है, कंक्रीट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया वो जो पूरी एक स्टेटमेंट थी अहमद कम टू द पार्टी, ठीक है, जिसमें वो पूरी स्टेटमेंट बन रही है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट वाली डोमेन है ये वाली ये ज्यादा कंक्रीट होती है एज कम्पेयर टू सेकंड, जिसके लिए हम वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल है, ठीक है, इसको अगर आप समझ लें, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइट स्टैंड फॉर हिज और हर कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि वो अपने जो हल्का है उसका एक पार्लियामेंट का मेंबर है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, अपने पूरे एक हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने एक पूरे एरिया को जो जिसमें वो इलेक्ट हुआ है, जिस एरिया ने उसको इलेक्ट किया है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो एक बंदा कर रहा होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन एक बंदा कर रहा होता है। ऐसे और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लास का सीआर है, ठीक है, सीएस 6 का सीआर है, तो वो पूरी जो सीएस 6 सेक्शन बी है उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था वो अकेला एक सीआर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हम यही काम करते हैं कि हम पूरी नॉलेज की जो एक कह लें पूरा एक प्रोपोजिशन है हमारे पास एक स्टेटमेंट है उसको हम किसी एक सिंबल के साथ क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये फिर आ गया इसमें रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने नॉलेज भी डिफाइन कर दिया, रिप्रेजेंटेशन भी डिफाइन करी, अब इसका जो थर्ड वाला और एंड वाला पोर्शन है वह है रीजनिंग का, ठीक है। अब जो रीजनिंग है उसको देख लेते हैं और वो उसमें भी मैंने एग्जाम्पल ऐड की हुई है, उस एग्जाम्पल के साथ हम जो है वो देख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें भी मैं ये डिटेल पढ़ने से पहले यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल खास कर ऐड की हुई है तो उसको जरा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ना यहाँ पे एक पीस ऑफ नॉलेज है, ठीक है, और वो पीस ऑफ नॉलेज क्या है कि एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, और उस सेंटेंस वो सेंटेंस है क्या, टॉम लव्स जेरी, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरा एक सेंटेंस है हमारे पास, हम कहते हैं जेरी इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, ये दूसरा हमारे पास सेंटेंस हो गया। एक ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है और ये हमारे पास सेकंड वाला सेंटेंस है, ठीक है। जिसमें हमने कहा टॉम लव्स जेरी और सेकंड में हमने कहा जेरी इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। अब एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन प्रोड्यूस द स्टैंड, हमने इन दोनों सेंटेंस के ऊपर, ये जो दो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन दोनों के ऊपर हमने कुछ मैनिपुलेशन की, ठीक है, इसको थोड़ा गौर किया इसके ऊपर, तो हमने एक थर्ड सेंटेंस इसे जनरेट कर लिया। वो थर्ड सेंटेंस क्या, हमने कहा समवन टॉम लव्स इज कमिंग टू द पार्टी। अब देखें, अब ये जो थर्ड सेंटेंस हमने जनरेट किया, ये बेस किस पे कर रहा है, ये इन दोनों पे कर रहा है, फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे, और इन दोनों की बेस पे हमने ये थर्ड सेंटेंस जनरेट कर लिया। ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो मैनिपुलेशन के बाद हमने ये थर्ड सेंटेंस जो जनरेट कर लिया है, ये वाला प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। यानी हम अपने पुराने नॉलेज से, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसकी बेस पे हम नया नॉलेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक, जिसमें कि आपसे जो अगला पर्सन है वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछे, लेकिन उसकी बेस पे वो आपको आपकी एज बता दे, तो वो रीजनिंग है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस सारा फिर क्या कहलाता है, रीजनिंग कहलाता है। इसकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, उसको मैंने स्किप करके डायरेक्टली एग्जांपल पे आया हूं, इसलिए ताकि आप इसको क्विकली समझ जाएं, ठीक है। तो रीजनिंग को अगर आप प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, रीजनिंग इज अ फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन, एक्चुअल में मैनिपुलेशन करना या कैलकुलेशन करना, ठीक है। नॉट लाइक अरिथमेटिक, एक बात इसमें यह है कि ये कैलकुलेशन अरिथमेटिक जैसी नहीं है, बट ओवर सिंबल्स स्टैंडिंग फॉर प्रोपोजिशन रेदर देन नंबर्स। यानी ये वाली मैनिपुलेशन, हमने जो सिंबल्स क्रिएट किए हैं प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे P हो गया, Q हो गया, ये कोई सिंबल्स हैं जो किसी पूरी प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इन कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, अपना रिजल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला फिर पूरा जो कंप्लीट टास्क है, इसको फिर हम कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये भी मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। वी वुड कॉल दिस फॉर्म ऑफ रीजनिंग लॉजिकल इन्फेरेंस, ठीक है, बिकॉज द फाइनल सेंटेंस रिप्रेजेंट आवर लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द प्रोपोजिशंस रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल वंस। अब यहाँ पे मैं आपको एलैबोरेट ये कर रहा हूँ कि इसको हम लॉजिकल इन्फेरेंसेस क्या कह रहे हैं। अब लॉजिकल अगर हम बात करें, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का जो सब्जेक्ट पढ़ा आपने, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पढ़ा, तो लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 0 और 1 यानी ट्रू और फॉल्स को हम उनको मैनिपुलेट करके रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। यानी अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी ट्रू और फॉल्स को अगर ऐड करें तो क्या होगा, वो ट्रू होगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें ट्रू और फॉल्स को तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी ये लॉजिकल इन्फेरेंसेस हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमने ओरिजिनल जो हमारे पास प्रोपोजिशन थी, ये देखें, प्रोपोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल वंस, जो इनिशियल हमारे पास प्रोपोजिशंस थी उनको हमने विद कंक्रीट सिंबल्स के साथ रिप्लेस कर दिया, और फिर हम इन सिंबल्स के ऊपर जो लॉजिकल हमारी मैथमेटिक्स है उसको हम अप्लाई करके, तो इससे हम रीजनिंग करते हैं, ठीक। अब वही जो लॉजिकल में, फिर वही जो आपकी लॉजिकल कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब हमने एक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल के साथ, और प्रोपोजिशन हमने कहा कि या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, यानी या तो P ट्रू हो सकता है और या P फिर फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे फिर लॉजिकल इन्फेरेंसेस की बेस पे हम रीजनिंग जो है इससे जनरेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे यहाँ तक मैंने आपको जो नॉलेज है उसको भी डिफाइन कर दिया, रिप्रेजेंटेशन को भी डिफाइन कर दिया, और रीजनिंग को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो जब मैं इसका ओवरव्यू आपको दिया था तो वहां पे मैंने इसकी नॉलेज की आपको टाइप्स भी बताई थी कि हमारे पास नॉलेज की 2 टाइप हैं, एक को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और दूसरी को हम कहते हैं प्रोसीजरल, ठीक है। ये वही सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो डिटेल थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज है तो उसके लिए एग्जांपल दी हुई है, जैसे फॉर ईच लेक्चर देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, ओनली 1 लेक्चर कैन टेक प्लेस एट ईच टाइम एंड प्लेस। तो इस तरह का जो नॉलेज है इसको हम कहते हैं कि ये डेक्लरेटिव नॉलेज की फॉर्म में है। ये जो दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शनल नॉलेज, एक तो ये डिस्क्रिप्शन की बेस पे होता है। नॉन प्रोसीजरल, ये प्रोसीजरल नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ टारगेट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कोई हम टारगेट या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे होते, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको फिर कहते हैं डेक्लरेटिव नॉलेज। दूसरी जो हमने इसकी टाइप देखी थी नॉलेज की, वो थी हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। तो प्रोसीजरल नॉलेज का मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि उसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट, जैसे मैंने कहा था कि आप एक केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो केमिकल का जो रिजल्ट है वो आपका टारगेट है, तो उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं वो पूरा प्रोसीजर जो है वो उसको फिर हम प्रोसीजर नॉलेज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है और अच्छा यहाँ पे दूसरी भी ये पॉइंट में एलेबोरेट करता चलूँ कि नॉलेज ऑफ द ऑर्डर इन विच एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी इसमें जब प्रोसीजर हो रहा है किसी काम का तो उस प्रोसीजर को फिर हम उसमें ऑर्डर भी डिफाइन करते हैं कि किस ऑर्डर में हमने इसको परफॉर्म करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन है तो जो आप डिजायर्ड रिजल्ट अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपको उसको ऑर्डर वाइज उन स्टेप को परफॉर्म करना होगा, तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज किसको कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को आपने कैसे कंडक्ट किया, वो उस सारा जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है उसको डिफाइन करना, इस तरह का जो नॉलेज है उसको भी हम फिर ह्यूरिस्टिक नॉलेज कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, टू कंस्ट्रक्ट द एग्जाम टाइम टेबल असाइन फर्स्ट द क्लासेस ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी अगर आपने टाइम टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जो असाइन फर्स्ट द क्लासेस ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वहां से स्टार्ट करें, फिर जो है वो फाइनल की तरफ जाएं, ठीक है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है, टू रीच लाहौर फास्टर टेक द एयरप्लेन, अगर आप लाहौर जल्दी जा रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि आप एयरप्लेन ले लें, ठीक है। तो वो भी फिर किस में आएगा, वो प्रोसीजर नॉलेज में आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर नॉलेज डिपेंड किसके के ऊपर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टारगेट एंड द प्रॉब्लम्स, यानी जो हमने टारगेट या फिर प्रॉब्लम अचीव करनी है उसकी बेस पे ही हम ये नॉलेज जनरेट करते हैं कि आपका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर जो है इसमें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसका आप कहेंगे कि हम ये प्रोसीजरल नॉलेज जो है इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो आप देखेंगे अगर आप एक रोबोट बना रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रोबोटिक मशीन एक बना रहे हैं तो उसमें आपने किचन के लिए एक रोबोट बनाना है, ठीक है। तो उस रोबोट का काम है कि वो डिफरेंट रेसिपीज आपके लिए प्रिपेयर करे, तो अब देखें अब जो रेसिपी है उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप परफॉर्म करेगा तो वो रेसिपी क्रिएट कर सकेगा, तो उसमें फिर वो जो नॉलेज यूज करेगा वो प्रोसीजरल नॉलेज होगा और उस नॉलेज की बेस पे ही वो अपना टारगेट जो आपने उसको किसी रेसिपी के नाम के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है उस टारगेट को अचीव करेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें दोनों में, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो डेक्लरेटिव नॉलेज है जिसमें हम प्रोपोजिशन में बात की वो या फिर राइट होता है या फिर रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल नॉलेज है वो कैन बी एग्जीक्यूटेड, उसको उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है, जैसे कि स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3, स्टेप 3 से स्टेप 4, जैसे द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एग्जाम टाइम टेबल, जो पूरा प्रोसीजर होगा उसकी बेस पे फिर हम वो जो नॉलेज होगा उसको कहेंगे ये प्रोसीजरल नॉलेज है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें अपनी इस सब्जेक्ट के लिए या एआई के लिए कौन सा नॉलेज है हमने यूज करना है अपने इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए, तो फिर यहाँ पे हमें बोथ ऑफ कोर्स, यानी हम दोनों टाइप के जो नॉलेज हैं इनको यूज करते हुए अपने जो एआई बेस्ड सिस्टम है उनकी डेवलपमेंट कर